कोरोना अपडेट। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना से ठीक हुए। मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना को मात दे चुके, ठीक हो गए हैं। मूलचंद शर्मा, इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मूलचंद शर्मा ठीक हो गए हैं कोरोना से। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की मेरी रिपोर्ट आज नेगेटिव आ चुकी है, आप सभी की कृपा और आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि डॉक्टरों ने अभी कुछ दिन और आइसोलेट रहने की सलाह दी है, उसके बाद मैं फिर से आप सभी के बीच जन सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। ये जानकारी खुद मूलचंद शर्मा ने दी है, हमने पढ़ के सुनाया आपको। फरीदाबाद से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोविड को मात दी है, कोरोना से वो ठीक हो गए हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोरोना को हरा दिया, कोरोना को मात दी। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत अच्छी खबर, मूलचंद शर्मा ठीक हो गए कोरोना को मात देते हुए। राजा, बाकी में प्रदेश के जो जो लोग हैं उनके लिए काफी हद तक कहीं खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से मूलचंद शर्मा की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, काफी जल्दी उन्होंने रिकवरी की है। डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर रखा था, कहीं ना कहीं जो फैमिली है उनसे दूर थी, और जिस तरीके से उनको दवाइयां दी जा रही थी, काफी हद तक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा। जो समर्थक है, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है बीजेपी की, उनमें खुशी की लहर है कि काफी जल्दी कहीं ना कहीं मूलचंद शर्मा ने कोरोना को मात दिया। जी, इनके अलावा फरीदाबाद से कोरोना अपडेट भी बताएं आप। देखिए, फरीदाबाद में लगातार जो कोरोना की बात करें तो रिकवरी रेट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 92% के पार अब रिकवरी रेट जा चुका है, तो जिस तरीके से सैंपलिंग लगातार ली जा रही थी, जिस तरीके से मामले लगातार फरदाद में बढ़ते जा रहे थे, पर अब जो लोगों की के लिए खुशखबरी ये है कि काफी ज्यादा लोग अब कहीं ना कहीं कोरोना से और काफी जल्दी ठीक होकर कहीं ना कहीं लोग अपने घर जा रहे हैं। जी, अनलॉक 4 में जाने के लिए तैयार है फरीदाबाद? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बात करें, जिस तरीके से जो कल गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा से आई थी, जो व्यापारियों में आज सुबह कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि जिस तरीके से अनिल विज ने ट्वीट किया है कि सातों के सातों दुकानें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए हरियाणा सरकार ने सातों के सातों दिन दुकानों खोलने के आदेश दे दिए, इनमें कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोगों में खुशी की लहर है, फरीदाबाद के जो व्यापारी है उनमें खुशी की लहर है। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से फरीदाबाद कहीं ना कहीं प्रगति में जरूर लौटेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।